आखिरकार कई दशकों से चली आ रही भारत और रूस की दोस्ती ने दम तोड़ ही दिया, क्योंकि एससीओ समिट के दौरान जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव भारत आए तो उन्होंने ये लगभग साफ कर दिया कि वो अब S-400 के अगले स्क्वाड्रन को भारत को सप्लाई नहीं करेंगे। बस रूस के इस कदम ने भारत को झकझोर के रख दिया, जिसके बाद भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रूस, चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों की धज्जियां उड़ा दी और अपने स्वदेशी S-400 के ट्रायल शुरू कर दिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने कुछ महीने पहले ही स्वदेशी S-400 क्लास के एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया था, और अब रूस के औकात दिखाने के बाद भारत ने भी ERSM इंटरसेप्टर की इनिशियल फैब्रिकेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया है, जो भारत को एडवांस एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेगा और 150 किलोमीटर की रेंज में किसी भी एरियल टारगेट को इंटरसेप्ट कर देगा, और फिर चाहे वो सुपरसोनिक मिसाइल ही क्यों न हो। और इस एयर डिफेंस सिस्टम के विकसित होते ही भारत को डिफेंस के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मिलेगी, जो चाइना और पाकिस्तान के बाद रूस के लिए सबसे बड़ा झटका होगा।